नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल ऑन आर्ट गैलरी में। और आज की जो वीडियो है ये होने वाली है हमारी एक और प्रैक्टिस सेशन, जिसमें मैं एक ब्यूटीफुल गर्ल ए गर्ल विथ हर हेयर ड्रॉ करने वाला हूँ। एंड स्पेशली आज हम स्टडी करेंगे इस रफ स्केच सेशन में, इस प्रैक्टिस सेशन में, अबाउट दिस पोर्ट्रेट। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर अडू, वेलकम टू ऑन आर्ट गैलरी, माय नेम इज ऑनी एंड लेट्स स्टार्ट। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं एक गर्ल की पोर्ट्रेट, एक लड़की की पोर्ट्रेट, एक लेडी की पोर्ट्रेट, जहां पे हम ये वाली प्रोफाइल स्टडी करेंगे। क्योंकि पोर्ट्रेट के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप हर एक टाइप के प्रोफाइल ट्राई करें, फॉर एग्जांपल फ्रंट प्रोफाइल, दिस प्रोफाइल, दिस प्रोफाइल, अप डाउन एवरीथिंग। और आज हम ट्राई करने वाले हैं दिस प्रोफाइल। तो बेसिकली मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो बोन स्ट्रक्चर होती है हमारी, फॉर एग्जाम्पल अगर एक लड़की ऐसे देखती है तो उनकी ये पूरी जो बोन स्ट्रक्चर होती है वो कैसे उभार में आएगी, और ये वाली जो बोन की स्ट्रक्चर है वो कैसे उभार में आएगी, ताकि आपको एक होल नॉलेज मिले, आप एक अच्छे आर्टिस्ट बन सके। एंड यू कैन लर्न फ्रॉम ऑल दिस एनाटॉमी ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी। सो बेसिकली हम लोग ये पूरी की पूरी बोन स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं, एंड देन फेस, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी आर गोना ड्रॉ हर हेयर। मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर हम साइड पोर्ट्रेट बनाते हैं किसी लेडी का, किसी लड़की का, तो वो अगर लेफ्ट साइड देखेंगी, ये वाला प्रोफाइल में देखेंगी, तो वो हेयर कैसे इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली इफ शी हैज अ बन, एक जुड़ा होता है उनके वहाँ पे। सो विदाउट डूइंग एनी मोर टॉकिंग, लेट्स गो स्ट्रेट इन टू द पोर्ट्रेट। और आज की जो पोर्ट्रेट है ये प्रैक्टिस सेशन है, तो मैंने 30-40 मिनट के अंदर ये वीडियो बनाई है, ये स्केच बनाई है। और ये वाली जो वीडियो है मैं ये बहुत ही जल्दी, आई थिंक डे आफ्टर टुमारो आई एम गोना पुट इट इन द कंप्लीट वीडियो ऑन देयर, ताकि आप लोग उसको देख सके, फॉलो अलॉन्ग कर सके। बट आज मैं इसको टाइम लैप्स में छोटा करके डालने वाला हूँ, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट आए, और उसके बाद आप इसको एक दिन बाद फिर आराम से फॉलो करके पूरी की पूरी वीडियो रियल टाइम में मैं आपको दे दूंगा, आप देखिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा, आई थिंक इट विल हेल्प यू। सो नाउ फाइनली विदाउट डूइंग एनी मच मोर टॉकिंग, लेट्स गो स्ट्रेट इन टू आवर स्केच पैड। दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ ल्यूमिस मेथड से ये स्केच बनाने की। एंड बेसिकली ल्यूमिस मेथड में मैं कोशिश करता हूँ कि पहले ये सर्कल बना लूँ, एंड देन देर इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो आंख है, अगर एक लड़की इस तरह से देखती है, सो देर इज अ बोन स्ट्रक्चर, ये हम बाद में जाएंगे, बट फर्स्ट आई एम ट्राइंग टू डू दिस सर्कल। एंड यहाँ पे ये एंगल लाइन है, तो जैसा कि आप स्केच पे देख सकते हैं, ये एंगल लाइन मेरे को एक सिंक में आईज, ईयर और ये बैक ऑफ द हेड, इनको सिंक मिलाने की हेल्प करती है। प्रैक्टिस सेशन के लिए ल्यूमिस मेथड आई पर्सनली फाइंड वेरी यूजफुल, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो प्रपोर्शंस होती है इट एक्चुअली हेल्प्स मी टू ड्रॉ दैट प्रपोर्शंस अ लॉट, और उसको सिंक में बनाने की मेरे को काफी हेल्प करती है। तो आई वुड सजेस्ट यू यूज द ल्यूमिस मेथड व्हाइल यू आर प्रैक्टिसिंग द स्केच। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप देखेंगे कि जब मैं ये स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, सो देर इज ए दिस पर्टिकुलर ग्लैंड, ये जो एप्पल होता है, एडम्स एप्पल, दिस इज कॉल्ड एडम्स एप्पल। सो दिस इज एक्चुअली, मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दूंगा, इट्स अ नॉलेज कि ये लड़कों के ही होता है, ये लड़कियों में नहीं होता ये एडम्स एप्पल। तो आप में से जो लड़कियां हैं मेरी वीडियोज देख रही हैं, यू कैन जस्ट कन्फर्म मी इन द कमेंट, राइट? सो Everyone, just make sure, लड़कियों के लिए ये एडम्स एप्पल, ये जो ग्लैंड है, ये आप ना बना दे कहीं गलती से, तो पूरी स्केच की द पोर्ट्रेट गोज रॉन्ग ओवर देयर। और आप जैसा देख सकते हैं कि अगर मैंने ऐसे डायरेक्शन में अपने फेस को रखा है, दिस डायरेक्शन, हाउ दिस जॉ लाइन एंड दीज बोन्स, दीज ऑल बोन्स एंड दिस नर्व्स, ये जो हमारी रग होती है, ये जो हमारी नर्व होती है, हाउ इम्पॉर्टेंट, अगर आप ऐसे देखेंगे, इफ़ यू ट्राई टू लुक, अगर ऐसे देखेंगे तो हाउ इम्पॉर्टेंट दीज ऑल आर। तो मेक श्योर अगर आप इस पोर्ट्रेट में अगर पिक्चर बनाएं, तो आप ये वाली जो सेक्शन है इसको एकदम करेक्टली बनाएं।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिंस इट्स अ साइड पोर्ट्रेट ऑफ अ गर्ल, तो ये जो मेसी हेयर है, आई एक्चुअली लव दिस मेसी हेयर ऑफ गर्ल्स, जब ये आउट ऑफ द बेड लुक दे कॉल इट, सो आई लव दिस लुक, सो दैट्स व्हाई दिस हेयर प्लेज अ इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर हम साइड से पिक्चर बनाते हैं तो लड़कियों के लिए तो स्पेशली ये हेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, इफ़ आई एम ट्राइंग टू मेक दिस टाइप ऑफ गर्ल पोर्ट्रेट, जिसमें इन्होंने बन एकदम पीछे अपने बांधा हुआ है. So I think pretty much of it, the sketches practice session के लिए 30-40 मिनट के लिए, ये practice session के लिए this is good enough. और because it was a practice session, this is not a final drawing. I would highly suggest आप लोगों को कि आप लोग practice session जितना हो सके करिए, जितना ज़्यादा करेंगे उतने आपको आपका हाथ जो है वो और ज़्यादा खुलेगा, उसमें और ज़्यादा पेंसिल्स के ऊपर कंट्रोल आएगा आपका, आपका ब्रेन वैसे ट्रेन होगा, तो आप लोग जरूर कीजिएगा. तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये स्केच अच्छी लगी हो, मैं आप लोगों से हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इस स्केच को जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा. डे आफ्टर टुमारो आई थिंक मैं ये वीडियो फुल लेंथ, फुल एकदम अनकट वीडियो डालने वाला हूँ, जिसपे मैं कोशिश करूंगा कि रियल टाइम वीडियो हो जिससे आप देख सके और पॉज कीजिएगा, उसको बनाने की कोशिश कीजिए, और इट विल हेल्प यू अ लॉट. सो इफ दिस वीडियो हेल्प यू, अगर इसने आपको थोड़ी सी भी वैल्यू दी हो, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, और जरूर इस वीडियो को एक लाइक करके जाइएगा. अगर हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं अभी हम ऑलमोस्ट 4K के करीब पहुंचने वाला है. 4K या हमारी छोटी सी फैमिली है, बट वी आर एक्चुअली वेरी प्राउड ऑफ इट. तो लेट्स शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड एवरीवन यू कैन. As I always say, your subscription, your comments, your likes, everything, your engagement to this channel is my motivation. क्योंकि मुझे लगता है कि my videos are worth it for you, ताकि मैं अपने हर दिन से time निकाल के ऐसी और videos बनाता रहूँ. Enough said, enjoy the art, sketch बनाते रहिए, मज़े लेते रहिए, आराम से sketch बनाइए. Pretty soon, I assure you that you are going to be a good artist. Enjoy the art, love and peace.